पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक तापमान जो सुंदरगढ़ में बोध में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दिन का तापमान, और भुवनेश्वर का तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और कटक का भी 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें सिग्नोड वेदर सिस्टम की, तो फिलहाल उड़ीसा के ऊपर तो कोई सिग्नोड वेदर सिस्टम नहीं है। जो कल वाली जो ट्रफ थी वो अभी लेस मार्क्ड हो चुकी है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और नेबरहुड पे 1.5 किलोमीटर हाइट पे लाई कर रही है, जिसकी वजह से साउथ ओडिशा में कुछ बादल दिख रहे हैं। बाकी 7 दिन के फोरकास्ट में अगले 3 दिन तक जो वेदर है 13 तारीख तक शुष्क रहने की संभावना है, सूखा वेदर रहने की संभावना है। उसके बाद 14 तारीख को सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक इन सब डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 15 तारीख को हमारे नॉर्थ में काफी जगह पे जैसे सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, डेंटमा, जाजपुर, जयपुर, चंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, केवंझर इन सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थान पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है इसकी वजह से। फिर 16 तारीख को भी हमारा नॉर्थ उड़ीसा पूरा और साउथ कोस्टल उड़ीसा पूरा में बारिश रहने की संभावना है। 17 तारीख को नॉर्थ उड़ीसा में एक दो स्थान पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो मैक्सिमम तापमान में अगले 3 दिन तक 4-5 दिन तक धीरे धीरे बढ़ोतरी 4-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है, क्योंकि आसमान में बादल नहीं होंगे तो डायरेक्ट सनलाइट होने से तापमान बढ़ेगा ज्यादातर जगहों पे। उसके अलावा उसके बाद ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। भुवनेश्वर का तापमान की बात करें तो 35-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और पार्टी लोड इसका ही रहने की संभावना है। गंजाम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पे लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु गंजाम समाचार फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पेज को। अधिक तथ्य पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com।